हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए बालूशाही की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है, मैंने इसे बहुत ही सिंपल तरीके से बनाई हूँ और यह बहुत ही बनकर सॉफ्ट तैयार हुआ है। तो चलिए मैंने इसे कैसे बनाया है रेसिपी तैयार करते हैं। तो बालूशाही बनाने के लिए सबसे पहले हम बालूशाही का आटा लगाएंगे। उसके लिए मैंने एक कटोरी का मेजरमेंट लिया है। तो इसी कटोरी से हम 3 कटोरी मैदा लेंगे, जो ग्राम में हमारा 400 ग्राम है। तो सबसे पहले हम मैदा ले लेते हैं। तो मैं एक बर्तन में 3 कटोरी मैदा लेंगे। हमने यहाँ 3 कटोरी मैदा लिया है। अब इसमें हम 1 पिंच नमक डालेंगे। और 1 चम्मच के करीब बेकिंग पाउडर डालेंगे। इसमें याद रहे कि बेकिंग सोडा बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, इसमें हम बेकिंग पाउडर का ही इस्तेमाल करेंगे। इसे हम आगे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इसे मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम 100 ग्राम के करीब घी डालेंगे। आप चाहे तो डालडा या रिफाइन का भी यूज कर सकते हैं। तो अब इसमें हम घी मिक्स करेंगे। इसे हम अच्छी तरह से हाथों से मिलाते हुए मिक्स करेंगे। तो चलिए इसमें हम जो मोइन जो है अच्छी तरह से हाथों से मिक्स कर लेते हैं। इसे मैंने अच्छी तरह से मिला लिया है। अब इसे हम गूंदेंगे। तो गूंदने के लिए मैंने यहाँ थोड़ा ठंडा पानी का यूज कर रही हूँ। ठंडे पानी से सानेंगे। इसे हमें मसल मसल कर बिल्कुल भी नहीं सानना है। इसे सिर्फ हमें हाथों से, हल्के हाथों से मिलाते हुए इसे इकट्ठा कर लेना है। इसे हमें जिस तरह से हम रोटी या चपाती का आटा लगाते हैं उस तरह से बिल्कुल भी नहीं लगाना है। देख सकते हैं कि इसे मैं सिर्फ हाथों से एक तरफ से मिलाते जा रही हूँ। तो देख सकते हैं कि मैंने सिर्फ आटा को हल्के हाथों से मिक्स किया है, इसे बिल्कुल भी मसल कर नहीं छाना है। देख सकते हैं कि आटा जो है हमारा सिर्फ मिलाया गया है। अब इसे क्या करेंगे, हम ढककर 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देते हैं। इसके लिए शुगर सिरप तैयार करेंगे। तो बालूशाही के लिए चाशनी बनाने के लिए मैंने यहाँ 2 कटोरी चीनी ले रही हूँ और इसमें हम 1 कटोरी पानी डालेंगे। चीनी घुलने तक इसे हम अच्छी तरह से चलाएंगे, जब तक हमारा चीनी मेल्ट होता है। देख सकते हैं कि जो हमारा चीनी जो है अच्छी तरह से घुल गया है। इसे हम सिर्फ 1 तार की ही चाशनी बनाएंगे। अब इसमें हम 1 इलायची को कूट कर डाल देते हैं। इससे क्या होगा कि इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। देख सकते हैं कि हमारी चीनी की जो चाशनी है वो अच्छी तरह से बन चुकी है। अब इसे हम चेक कर लेते हैं एक बार। चीनी का चाशनी जो है हमारा तैयार हो चुका है। अब इसमें हम 1/2 छोटा चम्मच नींबू का रस डाल देते हैं, जिससे जो है हमारी चाशनी जो है जमेगी नहीं। चीनी की चाशनी बनाते समय 2 बातों का हमेशा ध्यान रखिएगा कि चीनी की चाशनी पतली नहीं होनी चाहिए। यदि पतली होगी तो आपकी बालूशाही जो है टूट जाएगी। यदि ज़्यादा गाढ़ी होगी तो बालूशाही आपकी रस नहीं पी पाएगी। तो चलिए चाशनी को हम उतार लेते हैं। तो चलिए अब हम इसे चेक कर लेते हैं। 15 मिनट हो चुका है और देख सकते हैं जो बालूशाही के लिए सानी थी वो हमारा अच्छी तरह से सेट हो गया है। अब इसे हम अच्छी तरह से प्लेटफॉर्म पर रख कर इसे हम अच्छी तरह से कर लेते हैं और फिर इसे हम 2 भागों में बांटेंगे। इस लोई को हम इसके ऊपर रख देंगे और इसे हम हल्के हल्के हाथों से दबाएंगे। फिर से इसे हम 2 भागों में बांटेंगे और इसके ऊपर हम इसे रखकर फिर से इस तरह से मिलाएंगे। आप देख सकते हैं क्या लेयर बाय लेयर बनते जाएगी। इस तरह से हम इसे 3 से 4 बार काटेंगे और फिर इसके ऊपर रखते जाएंगे और इस तरह से हम हल्के हल्के हाथों से मिलाएंगे। जितनी बार करेंगे उतना बार ही ये जो बालूशाही जो है हमारा बनकर अच्छी तरह से तैयार होगा और यह बहुत ही खास्ता और परतदार बनेंगे। इसे मैंने 4 से 6 बार कर लिया है। अब इसे हम छोटे छोटे पीस में काटेंगे। इसे हम बराबर भागों में काट लेंगे। अब इसे मैंने हिस्सों में काट लिया है। अब एक एक बॉल को उठाएंगे हम और इसे हम हल्के हल्के हाथों से इस तरह से मिलाएंगे
और बीच में इसे हम प्रेस करते हुए आर पार एक हॉल कर देंगे। इसे हम इस तरह से छेद कर देंगे ताकि जो हमारे जो बालूशाही है वो अच्छी तरह से पक सके और इसमें रस भी अच्छी तरह से जा सके। इस तरह से हम सारे तैयार करके एक प्लेट में रख लेते हैं। देख सकते हैं कि मैं छोटे छोटे 10 बालूशाही बनाकर तैयार कर चुकी हूँ। अब मैंने कढ़ाई में तेल को चढ़ा दिया है। तेल हमारा अधिक गर्म नहीं होना चाहिए, एकदम हल्का सा गर्म होना चाहिए। इसे हम चेक कर लेते हैं एक बार। देख सकते हैं कि इसमें एक छोटे छोटे बबल्स आ रहे हैं, इसका मतलब कि हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब हम धीरे धीरे एक एक कर बालूशाही डालेंगे। ध्यान रखें कि एक बार में अधिक बालूशाही ना डालें, इससे क्या होगा जो बालूशाही है वो टूट जाएंगे। इसे हम थोड़ा सा ही डालेंगे, जब हम बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे, इसे हमें छेड़ना ही नहीं है एकदम भी, जब तक कि हमारा बालूशाही धीरे धीरे अपने ऊपर ना आ जाए। तो देख सकते हैं कि हमारा बालूशाही जो है वह धीरे धीरे ऊपर की ओर आ गई है। अब क्या करेंगे, हम गैस के फ्लेम को थोड़ा मीडियम रखेंगे और इसे हम हल्के हल्के हाथों से इस तरह से हिलाएंगे। इसे हम अभी बिल्कुल भी नहीं पलटेंगे जब तक कि हमारा एक तरफ से ब्राउन ना हो जाए। अब इसे हम धीरे धीरे एक चम्मच की सहायता से इसे हम पलटेंगे। देख सकते हैं क्या ये एक तरफ से हल्का सिक चुका है। अब इसे हम दूसरी तरफ से भी हल्का ब्राउन होने तक सेकेंगे। देख सकते हैं कि हमारा बालूशाही जो है फूलकर कितना बड़ा बड़ा बना है और ये बहुत ही सॉफ्ट बनने वाला है। गैस के फ्लेम को हम एकदम मीडियम ही रखेंगे और एक दूसरी तरफ भी हम अच्छी तरह से सेक लेते हैं। तो देख सकते हैं कि हमारा बालूशाही जो है वो अच्छी तरह से दोनों तरफ से ब्राउन हो गया है। अब इसे हम निकाल लेते हैं। इसे निकाल कर हम चीनी की चाशनी में डालेंगे। इसे मैंने चीनी की चाशनी में डाल दिया है। थोड़ा थोड़ा रस हम इसके ऊपर से इस तरह से डालेंगे। इसे हम एक तरफ से 4 से 5 मिनट के लिए रस में छोड़ देते हैं। उसके बाद फिर से इसे हम इस तरह से पलट देंगे और इसे भी हम 4 से 5 मिनट तक रस में छोड़ देंगे ताकि जो हमारा बालूशाही जो है अच्छी तरह से रस पी जाए। बचे हुए बालूशाही को भी हम इस तेल में तल लेते हैं। तो 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, इसे हम एक बार फिर से पलट देते हैं ताकि दूसरी तरफ भी अच्छी तरह से रस पी जाए। देख सकते हैं कि हमारा बालूशाही जो है कितना रस भरा हुआ बना है। इसे हम 2 से 3 मिनट और रस में छोड़ेंगे। तो 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और हमारे बालूशाही जो है अच्छी तरह से फूल चुके हैं। अब इसे हम रस से निकाल लेते हैं। इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसे हम 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। देख सकते हैं कि हमारा बालूशाही जो है फूलकर कितना बड़ा है बना है। तब इसे हम थोड़ा सा पिस्ता से गार्निश कर लेते हैं। बहुत सॉफ्ट और बहुत ही जूसी बनकर तैयार हो गया है। यदि आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। मैं आपको एक पीस तोड़कर दिखाती हूँ यह कितना सॉफ्ट बना है। देख सकते हैं कि जो हमारा बालूशाही है कितना सॉफ्ट बना है और यह भीतर से पूरा जूसी बना है।